नमस्कार, मैं हूं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष में खोए अपने स्पेस क्राफ्ट से कांटेक्ट हो गया। इस तरह नासा ने अब जाकर राहत की सांस ली है। दरअसल वॉयजर 2 स्पेस क्राफ्ट से 21 जुलाई से ही नासा का संपर्क टूट गया था। इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि एक बार फिर से इस स्पेस क्राफ्ट से संपर्क किया जा सकेगा। इसकी मुख्य वजह यह थी कि पृथ्वी से वॉयजर 2 की दूरी 19.9 अरब किलोमीटर है। फिलहाल ये हमारे सौर मंडल के बाहर आउटर स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं। ट्विटर दिन ब दिन लगातार खुद को बदल रहा है। इसकी रिब्रांडिंग से लेकर एक्स तक, यहां तक कि प्रसिद्ध ब्लू ट्विटर बर्ड को एक्स लोगो से बदलने का एलन मस्क लगातार नए बदलाव कर रहे हैं। एक्स तत्कालीन ट्विटर ने लाइव वीडियो फीचर में सुधार किया। यूजर सब कंपोजर टैब में कैमरा आइकन करके लाइव वीडियो शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा साबित हुआ। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसी के साथ यह मामला अब सूरत की उस सेशन कोर्ट में पहुंच गया है जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्विक्शन लगा रखी है। सेशन कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और फिर से आधार पर फैसला देगा। यानी कि राहुल गांधी को अभी सुप्रीम कोर्ट से त्वरित राहत तो मिल गई है, लेकिन मोदी सरनेम मामले में उनकी मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। नूह में हुई हिंसा के बाद राज्य के कई इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है। नूह में दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। इसी बीच दरअसल बजरंग पुनिया ने तस्वीर शेयर कर धार्मिक एकता का संदेश दिया है। फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, तस्वीर के कण कण में भाईचारे की आवाज़ सुनाई देगी, यही भारत की सच्ची तस्वीर है। आगे उन्होंने कहा कि भाईचारा सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार इसे मौजूदा संसद सत्र में पेश नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस बिल से इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दूरसंचार नियमों के दायरे से छूट दी है। आजकल जालसाज भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। व्यक्तियों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंकों क्रेडिट कार्ड या KYC सेवाओं से जुड़े मैसेज भेजकर स्कैम करना बहुत आसान हो गया है। चूंकि ITR रिफंड का समय चल रहा है, इसलिए अब जालसाज भी इनकम टैक्स से जुड़े फर्जीवाड़े कर रहे हैं। यह स्कैम ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसे पैन अपडेट करवाने के नाम पर किया जाता था। CBSE स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। इससे छात्रों को हाईटेक शिक्षा मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लास 9वीं और 10वीं के सिलेबस में AI को शामिल किया गया है। CBSE ने संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। चंद्रयान 3 अपनी सफल यात्रा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 अगस्त को यह चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली कक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। इसरो ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यानी 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में प्रवेश करने का समय 5 अगस्त शाम लगभग 7 बजे तय किया गया है। 1 अगस्त की शुरुआत में अंतरिक्ष यान ने ट्रांस लूनर इंजेक्शन के माध्यम से 228 किलोमीटर गुने 3.7 लाख किलोमीटर की कक्षा हासिल की और चंद्रमा के प्रभाव में इंटर किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर उच्चतम न्यायालय की रोक की सराहना करते हुए शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के सांसद दर्जे को बहाल करने की मांग की है। डायरेक्टर नितिन देसाई के अचानक निधन में इंडस्ट्री में अभी शोक का माहौल है। कई सारे कलाकार और डायरेक्टर इस आत्महत्या केस को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब इस नितिन देसाई सुसाइड केस में नया अपडेट सामने आया है और मामले की जांच कर रही खालापुर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। PM मोदी ने अपने ट्विटर पर कहा है कि राष्ट्रपति रामफोसा से बात करके खुशी हुई। हम अपने राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। इस महीने के अंत में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई है। ये एक बार में अब तक का सबसे बड़ा शिलान्यास अभ्यास होगा। संपूर्ण रेलवे मशीनरी इस विशाल लॉजिस्टिक अभ्यास को करने के लिए काम कर रही है। संसद का मानसून सत्र इन दिनों काफी हंगामे से गुजर रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा कर रहा है तो सरकार पक्ष राजस्थान घटना को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस तनातनी के बीच कुछ अच्छे पल भी राज्यसभा में देखने को मिले। दरअसल कुछ राज्यसभा सांसदों का जन्मदिन था, जिसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
बिहार के आजीपुर में साइबर ठगों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो चिपकने वाला लिक्विड डालकर लोगों के एटीएम से पैसा निकाल लेते थे। पुलिस ने दो ठगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से कई एटीएम कार्ड और चिपकने वाला पदार्थ भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये ठग अब तक कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा चुके थे। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का कहना है कि भारत दुनिया के लिए कारखाने के रूप में चीन की जगह लेने में सक्षम होने के करीब है। हम सब इसका लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। पड़ोसी की महत्वाकांक्षाओं पर संदेह और कोरोना के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने भी देश के पक्ष में काम किया है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेंगदू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में शुक्रवार को भारत की ज्योति यारा जी ने नया नेशनल रिकॉर्ड दर्ज कराने के साथ ही 12.78 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता। ज्योति यारा जी ने अपने पिछले रिकॉर्ड 12.82 सेकंड को 0.04 सेकेंड से बेहतर किया। यह रिकॉर्ड ज्योति ने अक्टूबर में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल कैंपस में सिखों के कृपाण ले जाने पर बैन लगाने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए पलट दिया, जिससे अब सिख छात्रों को स्कूल में कृपाण ले जाने की इजाज़त मिल गई है। विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र को लेकर बड़ी खबर है। एक संसदीय पैनल ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की बदलाव में सिफारिश की है। संसदीय पैनल के अनुसार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल से घटाकर 18 साल की जा सकती है। इसके पीछे संसदीय पैनल ने तर्क दिया है कि इससे नीतिगत बहस के लिए नजरिया बढ़ेगा और राजनीतिक प्रक्रिया पर भरोसा कायम होगा। भारत सरकार ने लैपटॉप कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई रोक के फैसले को वापस ले लिया। सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अब बिना लाइसेंस इन उपकरणों को आयात करने का ज़्यादा समय मिल गया है। हालांकि यह राहत सिर्फ 31 अक्टूबर 2023 तक की रहने वाली है। 1 नवंबर से कंपनियों को इन प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहाँ एक नए EG.5.1 जिसे एरिस का नाम दिया गया है ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता से भर दिया है। EG.5.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुआ है। इसे पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम में पहली बार डिटेक्ट किया गया था और तब से हर दिन इसके नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने EG.5.1 वेरिएंट पर 2 हफ्ते पहले ही नज़र रखना शुरू कर दिया था। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेबियस ने यह बताया था कि लोग टीकों की वजह से काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन किसी भी देश को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई और सतर्कता में कमी नहीं लानी चाहिए। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव होने से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे में राज्य के सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, अररिया, मुजफ्फरपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना समेत पूर्वी बिहार में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना और अगले 48 घंटे तक कई जिलों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक गिरावट रहने की संभावना है। कांग्रेस सांसद कार्तिक पी चिदम्बरम ने शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया और 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कार्तिक पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि प्रमुख विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान भारत मॉडल को फॉलो कर रहा है। कांग्रेस सांसद की प्रतिक्रिया इमरान की गिरफ्तार के कुछ मिनट बाद ही आई है। इमरान को लाहौर में उनके जमान पार्क घर से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने के लिए भारतीय महिला तीरंदाजी टीम को शनिवार को बधाई दी और कहा कि भारत को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। अब कम समय में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बिहार की राजधानी पटना पहुंचा जा सकेगा। जल्दी हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने वाले हैं। शनिवार को इस रूट पर ट्रायल्स हुआ। सेमी हाई स्पीड हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन सुबह करीब 8 बजे पटना स्टेशन से शुरू हुआ। यह आसनसोल होते हुए दोपहर 2:30 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंची। यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा हुआ है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्वार का शिलान्यास कराए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह देश की जनता को छलने का नया प्रयोग है। बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए IBPS ने बम्पर भर्ती निकाली। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर 3,000 से ज़्यादा रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। ASI की टीम ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की दीवारों, खंभों और गुंबद पर बने त्रिशूल, स्वास्तिक और प्रतिमाओं को रिकॉर्ड में दर्ज किया है। पश्चिमी दीवार के सर्वे में घंटी, कलश और फूल की आकृतियां बनी मिली है। इसकी फोटो व वीडियोग्राफी भी कराई गई है। ASI ने परिसर में हुए निर्माण की जांच में कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की
टूटी हुई आकृतियां मिली हैं। पान के पत्ते सहित ऐसी कई आकृतियां खंभे गुंबद की दीवारों पर दिखी हैं, जैसे रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। एएसआई की टीम ने अब कलाकृतियों के निर्माण शैली व उसकी प्राचीनता सहित अन्य पहलुओं के जांच के दायरे में रखेगी, इसकी रिपोर्ट बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट से मानहानि केस में सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी ने पहली बड़ी मुलाकात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से की। शुक्रवार शाम मीसा भारती के सरकारी आवास पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ राहुल आरजेडी सुप्रीमो से मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को भारतीय रेल के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। वहीं उससे ठीक एक दिन पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिहार के रेल पदाधिकारियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने अपने संसदीय इलाके आरा में रेलवे से तमाम आला अधिकारियों से मिलकर इस पुनर्विकास योजना के बारे में कार्य की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड संपर्क से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है और शेष गाँवों को 2.5 साल में जोड़ने की संभावना है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमन कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, उमेश कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, अमरजीत यादव। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत नेट योजना के तहत भारत के गांवों को ब्रॉडबैंड संपर्क से जोड़ा जा रहा, आपके अनुसार आज के समय में इंटरनेट कितना जरूरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।